सेजल, इस वक्त की बड़ी खबर। जाड़े का मौसम शुरू होते ही तराई क्षेत्र में कोहरे ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। सीमांत क्षेत्र खटीमा में आज सुबह से ही सड़कों पर कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में उधम सिंह नगर में इन दिनों कोहरे का कहर छाया हुआ है। आपको बता दें कि जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में कोहरे का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। सड़कों पर धुंध छाई है और विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है। सड़कों पर दूर से आ रहे वाहन भी दिखाई नहीं देते। दिन में भी वाहन को लाइट जलाकर चलाना पड़ता है, जिससे सड़क पर दुर्घटना होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ गई हैं। वहीं ट्रक चला रहे ड्राइवरों का कहना है कि कोहरे के कारण सड़क पर नजर आ रही धुंध के सामने कुछ भी दिखना मुश्किल हो चुका है, जिसके चलते वह अंदाजन बेहद धीमे धीमे वाहन चलाकर खटीमा पहुंचते हैं। और खटीमा पहुंचते ही कोहरा बेहद ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वाहनों के पहिए रुक गए हैं और सभी ड्राइवर अपने अपने वाहन रोककर खटीमा में खड़े हो गए हैं। बहुत कोहरा था, बहुत आराम आराम से गाड़ी लेके आनी पड़ी थी, रास्ते में खतरा बहुत था। धीरे धीरे इसलिए लानी पड़ी थी कि एक्सीडेंट ना हो जाए। और मेरा कहना ये सब ड्राइवर भाई लोग कोहरे में आराम से ही चले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही हो रही है।